नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 27 फरवरी 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। हमारी डिस्कशन का सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल कलसा बंडूरी नाला प्रोजेक्ट से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो, इस प्रोजेक्ट को प्लान किया गया था 1989 में, काम स्टार्ट हुआ 2000 में, लेकिन तब से लेके अभी तक इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट 17 गुना तक बढ़ चुकी है, क्योंकि समय पर इस प्रोजेक्ट का काम नहीं कंप्लीट हो सका। कर्नाटक और गोवा के बीच डिस्प्यूट पैदा हो गया, ये प्रोजेक्ट है क्या और क्यों डिस्प्यूट जनरेट हो गया इस प्रोजेक्ट के कारण गोवा और कर्नाटक के बीच, हम डिस्कस कर लेते हैं इस आर्टिकल में। इस प्रोजेक्ट में कर्नाटक की सरकार के द्वारा महादाई रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज के ऊपर डैम बनाए जा रहे हैं। आप मैप में देखिए, नीचे आपको दिखेगी महादाई रिवर और महादाई रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक कलसा और दूसरी बंडूरी। इन दोनों ट्रिब्यूटरीज के ऊपर डैम बनाए जा रहे हैं कर्नाटक सरकार के द्वारा। क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि महादाई रिवर की इन ट्रिब्यूटरीज से पानी को ट्रांसफर किया जा सके मालप्रभा रिवर में। ऊपर मालप्रभा रिवर है, महादाई रिवर की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर डैम बना के पानी ट्रांसफर किया जाएगा मालप्रभा रिवर में। मकसद क्या है मालप्रभा रिवर में पानी को ट्रांसफर करने का? मकसद ये है, नॉर्थ कर्नाटक के तीन ये जो जिले हैं, धारवाड़, बेलगाम और गदग, इन तीन जिलों में पीने की पानी की समस्या को दूर किया जा सके, समझ गए। और मालप्रभा रिवर जो है, ये देखो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। जिन दो रिवर्स के ऊपर डैम बनाया जा रहा है, कलसा और बंडूरी, ये महादाई रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और जहां पर पानी ट्रांसफर किया जा रहा है डैम इस्टाब्लिश करके मालप्रभा रिवर, ये रिवर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। महादाई रिवर को लेके कर्नाटक और गोवा के बीच पिछले काफी समय से डिस्प्यूट चल रहा है। महादाई रिवर देखो ओरिजिनेट होती है कर्नाटक के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट से, उसके बाद महाराष्ट्र से होकर गोवा में एंटर करती है और अंत में अरेबियन सी में गिरती है। टोटल देखो महादाई रिवर 2032 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ड्रेन करती है, जिसमें से 375 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो कर्नाटक में है, थोड़ा सा एरिया 77 स्क्वायर किलोमीटर का महाराष्ट्र में और बाकी एरिया गोवा में। गोवा का ये कहना है, अगर देखो महादाई रिवर की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर डैम बनाया जाता है तो इससे महादाई रिवर में गोवा में पानी का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, और जबकि गोवा की लाइफलाइन है महादाई रिवर, दो रिवर्स गोवा की लाइफलाइन है और उनमें से एक है महादाई रिवर, इसके ऊपर डैम बनाओगे तो पानी का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए हमारा विरोध है इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। महादाई रिवर डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल भी सेटअप किया गया था 2010 में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 से संबंधित है। सबसे पहला क्वेश्चन इस फैक्ट पे बनता है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है? ये रिपोर्ट रिलीज की गई है पोल्यूशन ट्रैकर, आईक्यू एयर और ग्रीन पीस के द्वारा। किस आधार पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है? विभिन्न देशों में और विभिन्न सिटीज में पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का लेवल देखा जाता है और उसके बाद ये पता लगाया जाता है कौन सी सिटी या फिर कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का लेवल जो है सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश में, यानी बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री इमर्ज होकर आया है इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश के बाद नंबर आता है पाकिस्तान, उसके बाद मंगोलिया, अफगानिस्तान और फिर इंडिया। इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री है। सिटीज़ की बात करें, मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ 2019 में गाजियाबाद इंडिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है, उसके बाद नंबर है चाइना का होटन, इसके बाद पाकिस्तान की सिटी गुजरनवाला, चौथे नंबर पे पाकिस्तान की सिटी फैजलाबाद, पांचवें नंबर पे दिल्ली, छठे नंबर पे नोएडा, सातवें नंबर पे गुड़गांव, आठवें नंबर पे रायविंड, नौवें नंबर पे ग्रेटर नोएडा और दसवें नंबर पे बंदवारी, ये भी इंडिया में है। देखो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 में काफ़ी सारे पोल्यूटेंट्स आते हैं, जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, ब्लैक कार्बन। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की वजह से काफ़ी तरह के लंग और हार्ट डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसके अलावा
शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो सकता है, समझने की जो शक्ति है वो भी कमज़ोर हो सकती है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया हम वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 से संबंधित। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल मसाला बोन्स से संबंधित है। कंटेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है मसाला बोन्स का। देखो मसाला बोन्स जो हैं वो ऐसे बोन्स हैं जिनको इंडियन एंटिटी मतलब किसी इंडियन कंपनी के द्वारा या फिर कॉर्पोरेट ग्रुप के द्वारा इंडिया के बाहर दूसरे देश में इशू किया जाता है। और देखो इन बोन्स को इंडियन करेंसी में इशू किया जाता है, ना कि लोकल करेंसी में, मतलब रुपए में मसाला बोन्स को इशू किया जाता है किसी इंडियन कंपनी के द्वारा दूसरे देश में। और मकसद क्या होता है मसाला बोन्स को इशू करने का? मकसद देखो सिंपल ये होता है, फॉरेन इन्वेस्टर से फंड्स को रेज किया जाए। कोई इंडियन कंपनी मान लीजिए यूएसए में मसाला बोन्स को इशू करती है, तो मकसद इंडियन कंपनी का ये होगा यूएसए में जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसे जुटाए जा सकें। वो इन्वेस्टर्स जो मसाला बोन्ड इशू किया गया है इंडियन कंपनी के द्वारा उसे परचेज करें, बाद में तय शर्तों के अनुसार प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलेगा उस इन्वेस्टर को। देखो खास बात यह होती है मसाला बोन्ड्स की कि अगर रुपए की कीमत कम हो जाती है तो कंपनी को रिस्क नहीं होता, रिस्क जो होता है वो इन्वेस्टर को होता है। अदरवाइज अगर फॉरेन करेंसी में पैसा जुटाया जाता है इंडियन कंपनी के द्वारा, कल को रुपए की कीमत कम हो जाती है तो कंपनी को बहुत रिस्क हो जाता है, ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे इन्वेस्टर को क्योंकि रुपए की जो कीमत है वो कम हो गई है। लेकिन मसाला बोन्ड में रिस्क जो है वो बियर किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा, ना कि इंडियन कंपनी के द्वारा, क्योंकि पैसे जो जुटाए गए हैं वो इंडियन करेंसी में जुटाए गए हैं, लोकल करेंसी में नहीं जुटाए गए हैं। पहला मसाला बोन्ड इशू किया गया था 2014 में आईएफसी के द्वारा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं जो इंडियन एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो मसाला बोन्ड्स परचेज कर सकते हैं। इंडियन एंटिटीज जैसे एचडीएफसी, एनटीपीसी, इंडिया बुल्स हाउसिंग, इन्होंने अभी तक पैसे जुटाए हैं दूसरे देशों से मसाला बोन्ड्स की सहायता से। 2016 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है मसाला बोन्ड्स के ऊपर, फ्यूचर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल स्ट्रॉबेरी फिंच से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो ये पक्षी है, इसे हाल ही में केरला में अकुलम लेक के आसपास देखा गया है। स्ट्रॉबेरी फिंच पक्षी को रेड अवादवत या फिर रेड मुनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये स्पैरोसाइज्ड बर्ड है, मतलब चिड़िया जितनी ये पक्षी हैं। कौन सी फैमिली का? एस्ट्रिलिडे फैमिली का ये चिड़िया के साइज का पक्षी है। आयुष्यन की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। इसे सामान्यतः ओपन फील्ड्स में और ट्रॉपिकल एशिया के ग्रासलैंड्स में देखा जा सकता है। स्ट्रॉबेरी फिंच को अमन दवा या फिर अवादवत के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि गुजरात में जो अहमदाबाद सिटी है यहाँ से स्ट्रॉबेरी फिंच पक्षी का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था पुराने समय में इस पक्षी को पालतू बनाने के लिए। और अभी जिस लेक में इसे देखा गया है, जिसके आसपास इसे देखा गया है, वो केरला में है, केरला के त्रिवेंद्रम में। ये एकुलम लेक जो है जिसके आसपास स्ट्रॉबेरी फिंच पक्षी को देखा गया है वेली लेक की एक्सटेंशन है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया स्ट्रॉबेरी फिंच के बारे में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल यूएसए के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से संबंधित है। सुबह हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था इस इशू से संबंधित, प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या आउटकम निकल के आई? एक तो देखो यूएसए और इंडिया के बीच अब जो बायलेटरल रिलेशनशिप है वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो चुकी है। डील साइन हुई, हम यूएसए से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर परचेज कर रहे हैं और 6 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स परचेज कर रहे हैं। बाकी तो ऐसी बातें हैं जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए नेगोशिएशन करेंगे दोनों देशों के अथॉरिटीज, परमानेंट प्रेजेंस होगी यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की, इन पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। एक हम आप ये बताइए टोटलाइजेशन एग्रीमेंट से क्या संबंधित है?
देखो, अगर इंडिया और यूएसए के बीच टोटलाइजेशन एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो वो इंडियंस जो यूएसए में काम करते हैं उनको डबल डबल सोशल सिक्योरिटी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी टैक्स मतलब जैसे ओल्ड पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ये सब चीज़ें। होता क्या है, काफ़ी बार जो इंडियंस यूएसए में काम करते हैं उन्हें वहाँ पर भी सोशल सिक्योरिटी टैक्स देना पड़ता है और इंडिया में भी प्रोविडेंट फंड पर टैक्स देना पड़ता है, तो उनका डबल डबल टैक्स कट जाता है। लेकिन अगर टोटलाइजेशन एग्रीमेंट साइन हो गया तो डबल डबल सोशल सिक्योरिटी टैक्स नहीं देना पड़ेगा उन इंडियंस को जो यूएसए में काम करते हैं, या फिर उन यूएसए के नागरिकों को जो इंडिया में काम करते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ट्रंप की भारत यात्रा से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 5 इश्यूज डिस्कस किए, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।